वेलकम बैक टू इकोपोस्टेसिस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विच इज़ चैप्टर 7th फ्रॉम संदीप गर्ग एंड इट्स नेम इज़ रेवेन्यू। सो हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे हैं अभी, हम लोग प्रोडक्शन एंड एक प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से चैप्टर्स देख रहे हैं। सो प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से हमने जो चैप्टर 5 देखा वो था अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, दैट हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स टू व्हाट टू प्रोड्यूस। देन हमने देखी कॉस्ट, विच वॉज द नेक्स्ट चैप्टर, विच वॉज चैप्टर 6। हमने देखा प्रोड्यूसर की कॉस्ट किस तरह की होती है या कॉस्ट कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ों को। आज हम देखेंगे रेवेन्यू। सो रेवेन्यू हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, बट बिफोर दैट एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपके लिए। अगर आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स खत्म करना चाहते हैं या फिर आप उन कोर्सेज में से कोई भी टॉपिक कवर करना चाहते हैं, मैंने पूरा कोर्स अपने चैनल पे कवर कर दिया है और चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाकर जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। जब आप उन प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर में वीडियोस दिख जाएंगी टॉपिक वाइज, और जो भी टॉपिक आपको पसंद आए आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको वीडियोस पसंद आए तो एक छोटा सा काम करना है, कुछ सेकंड्स लगेंगे वीडियो जब आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाय क्लिकिंग दैट रेड बटन। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं रेवेन्यू। पहले देख लेते हैं रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है जो आपकी बुक कह रही है। सो रेवेन्यू की डेफिनेशन है, रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म। सो यहाँ तक पहले देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट, एक अमाउंट, मनी अमाउंट जो कि एक फर्म ने रिसीव किया है। लेकिन फर्म ने क्यों रिसीव किया ये पढ़ते हैं आगे। बाय अ फर्म फ्रॉम सेल्स लेवल, दैट इज एज सेल्स इंक्रीज रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। एक फर्म है, अगर उसने कुछ प्रोड्यूस किया है, एक प्रोड्यूसर है, अगर उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, कॉस्ट लगाई है उस पर, तो डेफिनेटली वो उसको बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। वो ऐसे तो नहीं कि प्रोड्यूस करके अपनी फैक्ट्री में रख लेगा, अपने घर में रख लेगा या सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर लेगा। डेफिनेटली उसको मार्केट में सेल करना है। तो जब वो मार्केट में जो भी आउटपुट उसने प्रोड्यूस किया है वो सेल करने जाएगा, उससे उसको कुछ रेवेन्यू मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप चेयर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आपकी खुद की आप प्रोड्यूसर हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे चेयर बनती हैं। तो आप चेयर क्यों बना रहे हैं? आप इतनी सारी चेयर बना रहे हैं ना कि अपने घर में रखने के लिए सारी की सारी, या फिर ना कि फैक्ट्री में रखने के लिए। डेफिनेटली आप चेयर्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको आप मार्केट में जाके सेल करें। तो मार्केट में जब आप उसको सेल करने जाते हैं और जिस प्राइस पे सेल करते हैं, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, ठीक है। रेवेन्यू की भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे हम, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आप मेरी लास्ट वीडियोस कुछ देखते हुए आ रहे हैं और अगर आपने प्रोडक्शन वाली सीरीज देखी है जहाँ पे चैप्टर 5 था प्रोडक्शन फंक्शन, चैप्टर 6 था कॉस्ट, तो अभी तक आपको पता होगा पहले चैप्टर में भी प्रोडक्शन वाले में हमने मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट देखा। फिर हमने दूसरे कॉस्ट के चैप्टर में टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट देखी। आज हम रेवेन्यू में भी टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू देखेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा तीनों के पीछे, जो तीनों का कोर है वो सेम है। क्योंकि अगर एवरेज है तो किसी चीज़ की एवरेज होगी ना, तो वो चाहे एवरेज कॉस्ट हो, एवरेज प्रोडक्ट हो या एवरेज रेवेन्यू हो, सेम गोज फॉर मार्जिनल। अगर मार्जिनल का मतलब एक एडिशन है, एक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से एडिशनल प्रोडक्ट या एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल रेवेन्यू, सो बेसिक तो सेम रहेगा ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इफ आपने मेरी पिछली वीडियोस फॉलो करी हैं। तो नहीं भी करी तो भी अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट जितना हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो टोटल रेवेन्यू क्या है आपका? टोटल रेवेन्यू है टोटल रिसीट्स जो फर्म की होती हैं बाय सेलिंग अ कमोडिटी, तो सेलिंग सर्टेन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस। आपको एक प्रोड्यूसर की तरह सोचना है, आपने चेयर प्रोड्यूस किया है, आज आप चेयर प्रोड्यूसर बने हुए हैं इस पूरे क्लास में। सो आज के लिए अगर आप चेयर प्रोड्यूसर हैं, आप मुझे बताओ, आप 100 चेयर प्रोड्यूस कर रहे हो और उन 100 चेयर की कीमत आप 1000 रुपीज रख रहे हो। अगर 1000 रुपीज की एक चेयर है, 1000 चलो टू मच हो गया, आपने 500 की एक चेयर रख ली, सो 500 की अगर एक चेयर है तो 100 चेयर कितने की होंगी?
ठीक है, आप क्या करोगे, आप 500 की एक चेयर बेच रहे हो और आप 100 चेयर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 100 चेयर प्रोड्यूस जो कर रहे हो वो बेचने के लिए कर रहे हो। तो जब आप 100 चेयर बेच दोगे, एक चेयर 500 में बेची, यानी 100 चेयर का कितना हो गया, 100 चेयर कितना हो गया, आपने 100 चेयर्स प्रोड्यूस की, आपने उस 500 में सेल कर दी, तो आपने आपका टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, आपके हाथ में टोटल रेवेन्यू कितना आया, टोटल रिसीट उन 100 चेयर्स को सेल करके फॉर 500 पर चेयर हाथ में कितना रेवेन्यू आता है, 50,000 रुपीस। तो ये हो जाता है आपका टोटल रेवेन्यू जो आपके हाथ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फर्म सेल्स 10 चेयर एट रुपीस 160 पर चेयर, यानी आप क्या हो गए, आप 10 चेयर सेल कर रहे हो और 10 चेयर आपने कितने में सेल की, एक चेयर 160 में सेल की, तो 10 चेयर का कितना आपको रेवेन्यू मिला होगा हाथ में, कितनी रिसीट्स आई होंगी, 1600 की, 1600 आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। ओके, सो टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, द क्वांटिटी दैट यू आर सेलिंग दैट इज 10 चेयर्स इनटू प्राइस ऑफ दैट पर यूनिट। ओके, सो प्राइस वाज 160 रुपीस पर चेयर, तो एक 160 रुपीस में अगर एक चेयर जा रही है, आप 10 चेयर बेच रहे हो, यानी 10 चेयर बेचने के बाद आपके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं, आपके हाथ में 1600 रुपीस आ रहे हैं। ओके, सो वो हो गया आपका टोटल रेवेन्यू विच इज नथिंग बट क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू आपका क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज योर रेवेन्यू पर यूनिट। सो क्या हो रहा है आपका, आपको भी पता है एवरेज का मतलब क्या होता है, हम कुछ भी टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो उस चीज़ का एवरेज हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू होगा आपका टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट जो बिकी हैं, ठीक है, वो डिवाइड जब हम कर देंगे, टोटल रेवेन्यू को जब हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, तो इसको और थोड़ा ओपन अप करते हैं, थोड़ा डिराइव करते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर हम कंक्लूड करेंगे। तो योर एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू बाय क्यू। ओके, टोटल रेवेन्यू क्या है, क्यू बाय पी, क्यू इंटू पी। अगर हम क्यू इंटू पी टोटल रेवेन्यू की जगह Q into P लिख देंगे, इसका मतलब AR is equal to Q into P upon Q, तो यहाँ पे Q से Q कट जाएगा, कटेगा, तो फिर मैथ सिंपल है, तो फिर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है, ये आपको रेवेन्यू चैप्टर में ध्यान रखना है, योर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। इसीलिए हम एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व भी कहते हैं, वो दिखाता है कि कितनी यूनिट सोल्ड हुई हैं पर यूनिट ऑफ प्राइस पे, या एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है पर यूनिट पे। ठीक है, सो यहाँ पे ये बात हो रही है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस कैसे आया, दोबारा से देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। टोटल रेवेन्यू की जगह कुछ नहीं, टोटल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी इनटू प्राइस, टोटल रेवेन्यू की जगह अपॉन क्वांटिटी, पहले से था क्वांटिटी, क्वांटिटी कट हो गया, तो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया, प्राइस के। ठीक है, सिंपल है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर देखते हैं हम मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, आपको सबसे पहले समझना है, अगर आप 10 चेयर सेल करके 1600 रुपीस कमा रहे हैं, कहाँ से आया, मैंने क्या बोला, ये बोला मैंने, 10 चेयर सेल की आपने, 160 रुपीस की एक चेयर थी, तो आपने जब 10 चेयर सेल कर दी मार्केट में जाके, आपके हाथ में आ गया रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना, 1600 रुपीस। ओके, अब क्या हुआ, आप मार्केट में जाते हैं 11th चेयर सेल करने, जो आपके हाथ में टोटल पैसा आता है 11 चेयर सेल करके, आप मार्केट में गए एक दिन, आपने 10 चेयर सेल की, आपके हाथ में रेवेन्यू आया 1600 रुपीस। इतना तो क्लियर है, सिंपल है यहाँ के एग्जांपल से। अब आप एक और दिन मार्केट गए, आपने 11 चेयर सेल कर दी, और 11 चेयर सेल करके आपके हाथ में कितना रेवेन्यू आया, समझ लो 1780 रुपीस। तो अगर मुझे देखना है कि 11th चेयर सेल करने से, अकेली 11th चेयर सेल करने की वजह से उस 11th चेयर ने कितना रेवेन्यू में एडिशन किया, एडिशन तो हुआ है, मानते हो नहीं मानते, जब 10 चेयर सेल करने गए मार्केट में तो कितना था आपके हाथ में, जब 10 चेयर सेल करने गए मार्केट में हाथ में 1600 है, 11 चेयर सेल करने गए मार्केट में हाथ में 1780 रुपीस है, इंक्रीज तो हुआ रेवेन्यू, इस हाथ में ज़्यादा रेवेन्यू है, 1780 है जबकि इस हाथ में 1600 है,
तो इंक्रीज हुआ. क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि 11 चेयर सेल की, यहाँ पे 10 चेयर सेल की थी. तो 11th चेयर की वजह से सिर्फ 11th चेयर ने कितना रेवेन्यू में एडिशन किया? 1780 माइनस 1600. ये 11th चेयर का एडिशन हो गया ना रेवेन्यू में, 1780 माइनस 1600. वो उससे बढ़ना क्या होता? 10 चेयर सेल करने गए 1600, 10 चेयर सेल करी होती दोबारा अगले दिन 1600 आने चाहिए थे, लेकिन 11 चेयर सेल की तो 1780 है. यानी डिफरेंस कितना हो गया? 180 रुपीस का. वो 180 क्या है? 11th चेयर सेल करने की वजह से, यानी एक और चेयर सेल करने की वजह से उसने कितना रेवेन्यू में एडिशन किया? 180 रुपीस का. इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से अभी के लिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, फिर भी कन्फ्यूजन रहती है. सो आई कैन हेल्प यू विद सम अदर एग्जाम्पल, इवन दो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे पॉसिबल, स्टिल लेट्स सी यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा है. सेम ही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको समझाई है. मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला जो हमने टोटल प्रोडक्ट में पढ़ा, टोटल कॉस्ट में पढ़ा, अब हम टोटल रेवेन्यू के रूप में पढ़ रहे हैं. यहाँ पे देखना है मार्जिनल रेवेन्यू एन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस वन. क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको देखना है टोटल रेवेन्यू 11 चेयर सेल करने से कितना मिला आपको इस हाथ में. टोटल रेवेन्यू कितना आया 11 चेयर सेल करने से? 1780 रुपीस यहाँ लिखा है. इस हाथ में आ जाओ, टोटल रेवेन्यू 10 चेयर सेल करने से कितना आया? 1600 रुपीस. टोटल रेवेन्यू 10 चेयर कितना है? 1600 रुपीस. यानी टोटल रेवेन्यू 10 चेयर्स, टोटल रेवेन्यू 11 चेयर्स, जब टोटल रेवेन्यू 11 चेयर से आया, माइनस कर दूंगी टोटल 10 चेयर से आया, तो कितना आएगा मेरे पास? अमाउंट जो 11th चेयर ने ऐड किया, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11th चेयर. मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11th चेयर इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 11 चेयर्स माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 10 चेयर्स. यानी 11th चेयर से कितना रेवेन्यू आया मुझे देखना था? 1780 माइनस 1600, यानी कितना हो गया आपका? ₹180. इज इट ओके? ये बहुत सिंपल था. उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी? एक यूनिट क्वांटिटी चेंज होने की वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, इसको इससे देख लेते हैं. टोटल रेवेन्यू में चेंज मतलब टोटल रेवेन्यू जब 11 चेयर सेल की तो कितना है? 1780. तो चेंज कितना आया? 1780 माइनस 1600. ये तो चेंज है ना? 1600 आया एक दिन, एक दिन 1780 आया. क्वांटिटी कितनी चेंज हुई थी? एक दिन 11 थी, एक दिन 10 थी. तो 11 माइनस 10 तो कितना आ गया आपके पास? 180 डिवाइडेड बाय 1, यानी 180. सेम ही आई है दोनों चीज़ें. तो ये भी एक फॉर्मूला है, हम इसको कहते हैं ट्राइंगल को डेल्टा, which refers to change. तो इसको बोलते हैं हम चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी. टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन क्वान्टिटी? टोटल रेवेन्यू में मेरा चेंज आया मार्केट में जाके 1780 माइनस 1600 ड्यू टू चेंज इन क्वान्टिटी, जो कि हो गई 11 यूनिट्स एंड पहले थी 10 यूनिट्स. यही मैंने यहाँ पे लिखा, आ गया 180, ऊपर भी 180 था. यानी दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले एक ही आंसर निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मार्जिनल रेवेन्यू 11th चेयर का तो एक ही रहेगा ना. सो दिस इज़ द थिंग. ऑल्सो हम आपको, अगर यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो टोटल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट चेयर, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड चेयर की, सेकेंड चेयर की वजह से जो एडिशनल सिर्फ सेकेंड चेयर को बेचने की वजह से कितना रेवेन्यू आया, फर्स्ट चेयर को बेचने की वजह से कितना रेवेन्यू आया, थर्ड चेयर को बेचने की, टोटल ऐसे करके 10 चेयर को बेचने की वजह से इंडिविजुअल उन 10 चेयर का कितना रेवेन्यू था, जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू टोटल ही आएगा ना. फर्स्ट चेयर ने कितना ऐड किया रेवेन्यू में, सेकंड चेयर ने कितना ऐड किया, थर्ड ने कितना ऐड किया, फोर्थ ने कितना ऐड किया, तो इन चेयर्स ने इंडिविजुअली रेवेन्यू कितना दिया उस पे डिपेंड करेगा हमारा एडिशन पे टोटल रेवेन्यू. सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये समेशन साइन है, ई नहीं है ये, इसको समेशन कहते हैं. समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू क्या हुआ आपका? सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. हर चेयर ने मार्जिनली कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया रेवेन्यू में, जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, मेरे पास कितना आया 10 चेयर को बेचने से. ओके, सो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला. टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, मैंने कुछ पी क्यू लिखे हैं आपके लिए, तो फटाफट हम टी आर ए आर एम आर निकाल लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो कोई भी तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे, अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट इज डन. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव हेयर. यूनिट सोल्ड, सबसे पहले आउटपुट आप कितना सेल कर रहे हैं? वन चेयर, चेयर समझ लो, तो वन चेयर बेचना, टू चेयर, थ्री चेयर, फोर, धीरे धीरे आप
चेयर जो है, नंबर ऑफ चेयर जो बेच रहे हैं वो हो रही है आपकी इंक्रीज, ठीक है। तो जब चेयर ज़्यादा बेचने लगेंगे तो चेयर का प्राइस कम होता रहेगा, वही यहाँ पर है। प्राइस कितना हो रहा है, अगर एक चेयर बेचेंगे तो 10, दो हो रहा है 9, ऐसे ऐसे करके प्राइस फॉल हो रहा है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू भूल गए हो तो यहाँ क्वांटिटी इंटू प्राइस, जितनी क्वांटिटी आपने चेयर की बेची इंटू एक चेयर का कितना प्राइस था, वो आपको दे देता है कि आपके हाथ में टोटल रेवेन्यू कितना आया मार्केट में, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू क्या होगा आपका, ये पी है, ये क्यू है, ये पी है। सो आपका पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू है आपका यहाँ पे 10 × 1 = 10। ऐसे ही करके आप ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9 = 18, 3 × 8 = 24। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 4 × 7 = 28, ओके। देन 6 × 5 = 30, अगेन 6 × 5 = 30, 7 × 4 क्या हो गया आपका, वापस से 28, ओके। सो ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू, कि अगर आपने 7 चेयर बेची, एक चेयर 4 रुपए की थी, तो टोटल चेयर कितनी हो गई, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू आपके हाथ में कितना आ गया, टीआर कितना हो गया आपका, 28। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्या, टोटल रेवेन्यू अपॉन, यहाँ पे देखो, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू आपको पता चल गया डेरिवेशन से कि प्राइस होता है, अगर ना भी पता चलता तो एवरेज रेवेन्यू कितना होता है, टीआर अपॉन क्यू, इतना तो सिंपल है। तो टीआर क्या आ गया आपका, ये तो पहले में, और क्वांटिटी कितनी है ये, एआर क्या हो गया, 10 / 1 = 10, 18 / 2, यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे 18 / 2 = 9, 24 / 3 = 8, 28 / 4 = 7, 30 / 5 = 6, 30 / 6 = 5, 28 / 7 = 4। मैंने हर टाइम पे टोटल रेवेन्यू के कॉलम को डिवाइड किया है क्वांटिटी से, लेकिन अब आप क्या देख सकते हो, एआर आपका सेम आ गया प्राइस के, 10 × 10 = 9 × 9 = 8 = 8 = 7 = 7 = 6 = 6 = 5 = 5 = 4 = 4। कॉलम देखो सेम आ गया, जबकि मैंने डिराइव कैसे किया है, इसको इससे डिवाइड करके, टीआर को टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके मैंने एआर आया था, लेकिन मैंने एंड में देखा जब मेरा कॉलम आ गया कि ये कॉलम तो बिल्कुल आइडेंटिकल है इस कॉलम के, यानी एआर इज इक्वल टू व्हाट, एआर इज इक्वल टू प्राइस, यही हमने डिराइव किया था, एआर इज इक्वल टू प्राइस होता है। और अब टेबल में भी हमें दिख गया एआर इज इक्वल टू प्राइस होता है, ठीक है। फिर मार्जिनल रेवेन्यू पे आ जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है आपका हर एक चेयर की एडिशनल, जो आपने उसने एडिशनल रेवेन्यू दिया है, कितना दिया है, टोटल रेवेन्यू n − n − 1। तो यहाँ पे देखो, पहली यूनिट जो सेल करी मार्केट में, उसकी वजह से रेवेन्यू कितना आया, 10, तो यहाँ तो हम 10 ही लिख देंगे। दूसरी यूनिट की वजह से रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, आपको यहाँ पे दिख रहा है, चलो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए प्राइस भी हटा रही हूँ और ये भी हटा रही हूँ, ठीक है, सब हटा दिया मैंने, ताकि अब हम ध्यान से देख पाएं कि क्या लिखा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 1 यूनिट सेल करके फर्स्ट यूनिट की वजह से 10 यूनिट्स रेवेन्यू आया, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 हो जाएगा। सेकेंड यूनिट से टोटल जब 2 यूनिट बिकी मार्केट में, तो 18 रेवेन्यू आया, लेकिन 18 में से जो 10 था, 10 तो फर्स्ट वाली ने ऐड किया था, फर्स्ट यूनिट बेचने की वजह से 10 रुपये आए थे, तो अगर 2 यूनिट बेचने की वजह से 18 रुपये आ रहे हैं, तो उसमें से 10 रुपये तो पहली वाली की वजह से आए थे, तो दूसरी वाली की वजह से कितने आए, 18 − 10 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। फिर तीसरी यूनिट की वजह से कितने आए, 3 यूनिट जब आप टोटल लेके गए मार्केट में, तो टोटल आपको 24 आ गए हाथ में, आपके हाथ में 24 आते ही आपने कहा ये 24 में से 18 तो 2 यूनिट की वजह से आए, तो थर्ड की वजह से इंडिविजुअल कितने आए, थर्ड की वजह से आए हैं 24 − 18 यानी 6, ठीक है। उसके बाद आपका 4 यूनिट्स जब आप बेचने गए, आपके हाथ में 28 रुपीज़ आ गए, लेकिन उन 28 रुपीज़ में से आपने 24 तो 3 यूनिट्स बेच के कमा लिए थे, तो फोर्थ यूनिट की वजह से कितने आए आपके, 28 − 24 कितने आए, मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, 4, ओके। फिर फिफ्थ यूनिट की वजह से कितने हैं, 30 − 28 कितना हुआ, 2,
ओके, फिर अब जब 6th यूनिट बेचने गए, अरे अब आप 5 यूनिट बेचने गए मार्केट में तो भी आपके हाथ में 30 रुपये रखे, आप 6 यूनिट बेचने गए तो भी 30 रुपये रखे, यानी आप कहोगे कि 5 यूनिट्स बेच के भी मैं 30 ही कमा रहा था, 6 यूनिट बेच के भी मैं 30 रुपये ही कमा रहा था, तो यानी 6th यूनिट की वजह से कोई बेनिफिट नहीं हुआ रेवेन्यू में, कोई एडिशन नहीं हुई, तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा आपका 30-30 विच इज़ 0। ओके, फिर क्या हुआ, आप 7 यूनिट्स लेके गए, अब आप 6 यूनिट्स लेके गए थे, आपके हाथ में 30 रुपीज़ रख दिए, आप 7 यूनिट्स लेके गए, आपके हाथ में 28 रुपीज़ रख दिए, आप शॉक में, आपने कहा ये क्या हो गया, जब मैंने 6 यूनिट्स बेची मेरे हाथ में 30 रुपीज़ थे और अब मैंने 7 यूनिट्स बेची मेरे हाथ में सिर्फ 28 क्यों है, बढ़ने चाहिए थे पर नहीं बढ़े, यानी जो 7th यूनिट आपने बेची उसका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो गया था, कितना, 28-30 यानी -2। ओके, सो मार्जिनल रेवेन्यू के कॉलम में क्या आ गया आपका, फर्स्ट यूनिट जो आपने बेची उस फर्स्ट यूनिट ने कितना रेवेन्यू ऐड किया, 10, सेकेंड यूनिट ने कितना किया, 8, थर्ड यूनिट ने कितना किया, 6, धीरे धीरे रेवेन्यू कम हो रहा है हर यूनिट बेचने की वजह से, फोर्थ यूनिट ने किया 4, फिफ्थ यूनिट ने किया 2, सिक्स्थ यूनिट आप बेचने गए उसने कोई रेवेन्यू ऐड नहीं किया, और 7th यूनिट बेचने गए उसने तो आपका रेवेन्यू माइनस कर दिया, यानी उसका रेवेन्यू -2 था, इस वजह से टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। जब आप इन टोटल को, जब आप इन मार्जिनल रेवेन्यूज का सम कर देंगे, फर्स्ट यूनिट ने 10 रुपीस दिए, सेकेंड यूनिट की वजह से 8 रुपीस आए, थर्ड यूनिट की वजह से आपके हाथ में 6 रुपीस और आए, फोर्थ यूनिट बेचने की वजह से अकेली फोर्थ की वजह से 4 रुपीस और आए, फिफ्थ यूनिट बेचने की वजह से 2 रुपए और आए हाथ में, सिक्स्थ यूनिट बेचने की वजह से कोई पैसा नहीं आया हाथ में, और 7th यूनिट बेचने की वजह से जो पैसे थे हाथ में उसमें से भी 2 रुपए चले गए, यानी -2 हो गए। जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 7 यूनिट्स बेचने का। ओके, कितना हो जाएगा, 10, 18, 18, 6, 24, 24, 28, 30 एंड 28, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया आपका 28, 7 यूनिट्स टोटल बेची उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू 28 और मार्जिनल रेवेन्यू ऐड करके भी 28, यानी फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया, TR इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। सारे फॉर्मूले जो भी हमने डिराइव किया था, जो भी हमने बात की थी टेबल के थ्रू, हमने वो सही है ये प्रूव कर दिया है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल कैसे होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के दो फॉर्मूले कैसे होते हैं, TR को हम समेशन ऑफ MR क्यों बोलते हैं, और टेबल के थ्रू सारी चीज़ें प्रूव करना, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर है। नहीं हुआ है वीडियो दोबारा देखो, और फिर भी क्लियर ना हो बुक रीड करके देखो, फिर भी क्लियर ना हो तो मैं आपके पास हमेशा हूँ हेल्प करने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल के आप मुझे मेल या कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी प्लेटफॉर्म आपको कन्वीनियंट हो, एंड वीडियोज़ को लाइक करके प्लीज़ जाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरों के साथ जिनको भी ये वीडियोस हेल्प करें उनके साथ वीडियोस को शेयर करिए, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।